डिप्टी कमिश्नर तरन तारण श्री प्रदीप कुमार सबरवाल ने आज कोविड 19 के मद्देनजर जिले विच बनाए गए 6 क्वारंटीन सेंटरां दा दौरा कीता अते बाहरले राज्यां तों वापस आए इत्थे रह रहे लोकां नाल वी गलबात कीती अते जिला प्रशासन वल्लों उहनां दीआं सहूलतां लई कीते गए इंतजामां दा वी जायजा लिया। हाँ, इत्थे मैं तुहानूं दसणा चाहांगा कि अज सानूं मानयोग मुख्यमंत्री साहब दे वी आदेश प्राप्त होए सीगे कि इह जिहड़ी आए ने साडे वीर जिहड़ियां संगतां आईआं ने उहनां नूं जाके मिलो, उन्हां नाल जाके गलबात करो, उन्हां चों देखो उन्हां नूं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, चाहे वो उन्हां नूं ड्रिंकिंग वाटर की गल होवे, चाहे उन्हां नूं टॉयलेट की स्थिति की गल होवे, चाहे उन्हां नूं खाण पान की गल होवे, चाहे उन्हां दे रहण की गल होवे, किसी भी तरह की जां उन्हां दी कोई सेहत संबंधी कोई प्रॉब्लम होवे, उहदे लई इत्थे उन्हां ते जाके डिप्टी कमिश्नर खुद जाके उन्हां नाल गलबात करनगे, गलबात करके जिहड़ा हैगा जेकर उन्हां दी कोई प्रॉब्लम है तां उन्हां दा रिजॉल्व करनगे। मैं बीबी अमरो जिहड़ा गर्ल्स होस्टल ते बॉयज़ होस्टल उन्हां दोनों के गया जिस दे विच साडे 153 जिहड़े वीर है वह आए ने जिहड़े कि हजूर साहब तो आए ने, उन्हां नूं किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों जगह पर मैं गया, दोनों जगह पर गलबात की है। एंड मैनू एक होर खुशी ये हुई है, उन्होंने ये कहा है कि असी जिहड़ा जिदा पंजाब सरकार ने आदेश दिते कि असी जिहड़ा इन्हां नूं पिंडां च भी जां कोई स्कूल है जां कोई होर साझी जगह है उस भी रहण का प्रबंध कर सकते जे जाना चाहते, पर यह दोनों सेंटरां दे मतलब जिहड़े शरदालू आए ने उन्हां सारिआं ने यही कहा कि नहीं असी इत्थे ही रहना है जिदा तक साडा क्वारंटाइन पीरियड पूरा नहीं हो जाता। एक बड़ी अच्छा इन्हां दा लिया गया फैसला है तो मानयोग सीएम साहब ने भी ये चाहिया सीगा कि उन्हां नाल जाके गलबात करो तो उन्होंने जिहड़े जिदा मैं पहले ही कहा है बिल्कुल इत्थे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। मैं बाबा जी का बाबा सेवा सिंह जी का हमेशा ही मेरी बाबा जी नाल गल होंदी रहिंदी है, हफ्ते 10 दिन साडी होनी होनी है गल, हुण आ समें दे विच वी बाबा जी ने साडा बड़ा वड्डा साथ दित्ता हैगा, जिला प्रशासन दे सिर दे उत्ते हथ रख्या है ते उन्हां ने साडूं ये जिहड़ियां सेवावां इत्थे दीआं जिहड़ियां नाल दित्तियां ने, उत्थे मेरे SDM साहब ने उन्होंने राजेश शर्मा जी ने बड़े अच्छे प्रबंध बाबा जी ने मिल के इत्थे कीते है, कुछ ना कुछ वो जिहड़ा अपने जिहड़ा जिला प्रशासन वालों वो भी पूरा इत्थे सहयोग जिहड़ा दे रहे, दोनों जिहड़े है इकट्ठे मिल के ये जिहड़ा काम नूं असीं सिरे नप्पिआ है। इक्को ही तरन तरन जिले का टीचा है कि असी जिस जिले के विच करोना जिहड़ा वायरस आ उहदे प्रभाव नूं घट्टो घट करना, तुसीं खुद ही देखिआ है सारी संगत जिहड़ी है सोशल डिस्टेंस नूं मन्निआ पिआ, सारिआं दे मूँह ते मास्क बन्ने पए है, बिल्कुल हर जिहड़ा साडा वीर है उत्थों आया है वह बिल्कुल जागरूक है, तो मैं इहो ही आस करदा कि बहुत जल्दी जिहड़ा ये अपने घरां नूं जिहड़ा पीरियड हो जाऊगा कंप्लीट ते जाणगे। सर इत्थे जिहड़े अपने पेशेंट आ जी इन्हां दी जिहड़ियां सैंपलिंग है वह असी करवा दिती गई सी, वह गुरु नानक देव अस्पताल अमृतसर दे विच जिहड़ी है वह सैंपलिंग जिहड़ी उन्हां दे रिजल्ट जिहड़े वह सानूं असी कल तक एक्सपैक्टेड हैगे, जो कल जो रिजल्ट हो जाएंगे फिर वो अकॉर्डिंगली जी अगली असी कार्रवाई जी अमल च लवेंगे। सर अपनी जिले की स्थिति की है अज की? जिले की स्थिति देख लो तुसीं साडे कोल टोटल डिफरेंट जिहड़े स्टेट तो साडे कोल 621 जिहड़े लोग आए ने, ठीक है उन्होंने असी 6 अलग अलग जगह के रखा गया है, उन्होंने लिए इस तरह हर जगह के उत्ते प्रबंध किए गए हैं तो बिल्कुल इट्स वैल अंडर कंट्रोल। दूजी मेरी गल इन्हां दे परिवारों के लिए है, हुण मेरे वीर तो या भैन इतने बैठिया ने कई बार परिवार चिंतित हो जाता है, मैं परिवारों भी बेनती करांगा उन्होंने कोई चिंता लैन की लोड़ नहीं है, जिला प्रशासन पंजाब सरकार पूरी सजग है इस मामले में लैके, साडे को पूरे प्रबंध ने जिले के पैनिक होने की कोई लोड़ नहीं है, जिन्हों के केस पॉजिटिव आएंगे उन्होंने आइसोलेशन वार्ड के रखा जाऊगा उत्थे भी उन्हों का पूरा प्रबंध है, कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह का प्रबंध जिहड़ा पंजाब सरकार वालों किया गया तो खास तौर पर मैं जो साडे पिंडां दे सानूं बाबा जी बड़ा सहयोग दे रहे हैं इन्हों का भी अपने हार्दिक तौर पर धन्यवाद। थैंक यू सर। सारियां हर एक चीज़ सानू मिलती है, साबन तेल रोटी पानी हर एक चीज़ जी, बाबिया का भी अं धनवाद करते हैं बहुत ही ज़्यादा कि जिन्होंने साड़ी इन्नी कि वधिया सानू तरीके नाल कीता। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
टॉयलेट वगैरह सब ठीक ने। अच्छा जी, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਇਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ बिल्डिंग ठीक है ना, उड़िया पंचायत प्रबंध करोगे एक दो बड़ा मजा आया उसे मच्छर कटे सू खान पीन का भी प्रोपर प्रबंध ना हो सके कई जगह। ठीक है ना जी, वो फिर एक एक दो दो हो सकता है, इतों अपने जिन्हें खड़े हैं उन्होंने एक एक दो दो ही हो जाने वाले, एक मिनट जो दो बंदे हो गए जाके स्कूल कल रहना वगैरह, ये सारिया चीज़ों का तुम ध्यान रखो। ठीक है ना, तुम मैं सरकार का वर्ष नहीं दस दिता है, तुम इतने इतने रहोगे तो इतने तुम्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं आऊगी। हर तरह की फेसिलिटी मौजूद है, बाबा जी की बड़ी बड़ी कृपा हैगी है, प्रशासन सारा तुहाडे नाल खड़ा है, तुहाडे पिछे खड़ा, तुहाडे पैर पैर दे नाल। ठीक है, ठीक है, राइट। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਡੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ, ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।